Hey guys, I hope you guys are all doing well today. I am back with a brand new episode of an IPL 2021 team analysis video series, which is an exclusive video series in preparation for the upcoming season of the IPL. अब इस वीडियो सीरीज में हम इन डेप्थ इन डिटेल नजर डालते हैं आईपीएल 2021 की 8 पार्टिसिपेटिंग टीम्स यानी कि 8 फ्रेंचाइजेस पे और देखते हैं, असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं 8 टीम्स के स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को और साथ ही साथ हम टीम्स को रेट भी करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. This video is brought to you by Al Noaim Perfumes. अब Al Noaim Perfumes जो fragrance brand है, इनकी smell, fragrance, खुशबू तो बहुत ही अच्छी है और साथ ही साथ ये long lasting है, budget friendly option है. Currently India में तो available है ही, साथ ही साथ UAE में भी available है. So if you guys are in India or if you guys are in the UAE, please upon my recommendation, I want you to go and purchase from them, try them out and then let me know कि आपको ये fragrances कैसी लगती हैं. I have shared Al Noaim's website and their social media handles in the description box of this video. So please do make sure to check them out. आज जिस टीम पे हम नजर डालने वाले हैं, गेस करें कि आप वो कौन सी टीम है, मुझे देखकर अंदाजा लगाएं. चलें आप लोगों को एक और हिंट दे देती हूँ. डेफिनेटली नॉट. डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स आर सी एस के विसल पोडू. अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीजन सी एस के डिड नॉट रियली हैव अ ग्रेट season or a great tournament. In fact, they ended up at number 7 on the points table. IPL की history में या CSK की अपनी history में पहली बार ऐसे हुआ था कि CSK playoffs तक भी qualify नहीं कर सका था. लेकिन इस साल hopefully हमें कुछ नए results देखने को मिले. इस video में हम assess करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम और क्या जो CSK के fans हैं वो better results expect कर सकते हैं. कौन कौन से areas हैं CSK के जो काफ़ी solid और strong लग रहे हैं, कौन से कुछ weak areas हैं, किस किस्म की opportunities हैं CSK की team के पास और कौन से खतरों की घंटियाँ हमें नज़र आ रही हैं. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की कुछ स्ट्रेंथ्स पे. तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ्स हैं और जो एक सबसे मेजर उनका सॉलिड पॉइंट ना या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी वर्ल्ड क्लास ग्रेट एक्सपीरियंस्ड सीजनड ऑलराउंडर्स, क्वालिटी ऑलराउंडर्स. यहाँ तो मैं शायद ये कहूँ क्योंकि सैम करन हैं तो काफ़ी यंग, इतने ज़्यादा शायद सीजन कैंपेनर नहीं है, लेकिन वॉट एन ऑप्शन ही इज फॉर हिज टीम चेन्नई सुपर किंग्स एज वेल एज फॉर इंग्लैंड. कमाल के ही प्लेयर हैं, हमने पास्ट में देखा है, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, इनफैक्ट लास्ट IPL में भी देखा कि किस किस्म के वो कमाल प्लेयर हैं. साथ ही साथ इस टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास है रविंद्र जडेजा. अब उनके बारे में भी हम जितना कहें एज एन ऑल राउंड ऑप्शन उतना ही कम है. डीजे ब्रावो हैं, मोइन अली हैं, कृष्णप्पा गौतम है, शार्दुल ठाकुर हैं जो एक अच्छी ऑलराउंड ऑप्शन बनकर सामने आ रहे हैं टीम इंडिया के लिए भी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी. तो इस किस्म की इतनी अच्छी आपके पास जो मैच विनिंग क्वालिटी ऑलराउंड ऑप्शन है, definitely they do give the side Chennai Super Kings the potential of turning the game around at any given time in the favor of CSK. Or definitely ek bahut hi acha, ek bahut hi solid aisa factor hai jo ki CSK ki side ko mazid strengthen karta hai. मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ जो चेन्नई सुपर किंग्स के पास है विदाउट अ डाउट, मेरे ख्याल से क्या आप लोग भी अग्री ही करेंगे, वो है द प्रेजेंस ऑफ MSD इन दिस टीम. MSD, I agree, is not his usual self of late. हमने लास्ट IPL में भी देखा थोड़े से थक रहे थे. Age is also a factor which is not on his side. मैच प्रैक्टिस भी उनको इतनी ज़्यादा नहीं, कंपेरेटिव क्रिकेट इतनी ज़्यादा उन्होंने ऑफ लेट नहीं खेली. बट डिस्पाइट ऑल दैट, जस्ट द मेयर फैक्ट दैट ही इज अ पार्ट ऑफ CSK एड्स सो मच स्ट्रेंथ टू द टीम. प्लेयर्स को नर्चर करते हैं, ही हैज़ व्हाट इट टेक्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउट इन प्लेयर्स. और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा ठहराव है, एग्जैक्टली उनको पता है कि प्रेशर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन से डिसीजन लेने चाहिए, किसको किस तरह लेकर चलना है. और जब आप इस सबको क्लब टुगेदर करो एक टीम में तो डेफिनेटली कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है जो CSK को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. और अगर प्लेयर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सुरेश रैना भी वापस आ रहे हैं, इज मेकिंग अ कमबैक ऑफ सॉर्ट्स इन चेन्नई सुपर किंग्स और ये भी मजीद टीम को स्ट्रेंथन करेगा. बहुत सारे मैचेस जतवाए हुए हैं CSK को सुरेश रैना ने, कमाल के प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए भी, कितना अच्छा खेले हुए हैं, किस किस्म के कैलिबर के प्लेयर हैं, किस किस्म के नॉक्स खेलते हैं, किस किस्म के शॉट्स हैं और किस तरह की थ्रेट एक ऑपोजिशन के लिए वो बन सकते हैं, वी ऑल नो दैट. सो द फैक्ट
that he is going to be back in the CSK side definitely adds more strength to the Chennai Super Kings squad. Another strength that I see in this daddy squad is the experience. Matlab itne seasoned campaigners hain, manje hue khiladi hain, so to speak, ki ye definitely ek bada bahut bada advantage banke CSK ke samne aata hai, kyunki kahin na kahin jab matches mushkil hote hain, tournament ek mushkil phase mein enter karta hai ya match kahin na kahin phansa hota hai, to ye experience hi hai jo count karta hai, ye experience hi hai jo aapko bail out karta hai in difficult or in pressure situations, aur ye daddy's army ke paas ye experience कूट कूट कर भरा हुआ है. दे हैव इट इन लीप्स एंड बाउंड्स, दे हैव इट इन अ ह्यूज क्वांटिटी. जस्ट लिसन टू द काइंड ऑफ प्लेयर्स दिस टीम हैज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. देयर इज एमएसडी, देयर इज सुरेश रैना, देयर इज फाफ डुप्लेसी, देयर इज ड्वेन ब्रावो, नाउ देयर इज रॉबिन उत्तपा, देयर इज रविंद्र जडेजा, देयर इज अंबती लायुडू, देयर इज मोइन अली, देयर इज इमरान ताहिर. सो लोडेड विद एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली दिस एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट फर्दर स्ट्रेंथन्स द सीएसके स्क्वाड. CSK के स्क्वाड के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि CSK का पलड़ा भारी रहेगा, CSK एंजॉय करेगा. काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रेंथन करते हैं. इनफैक्ट व्हेन यू स्पीक टू सम CSK फैंस, दे विल टेल यू दैट दे आर क्वाइट हैप्पी, एटलीस्ट बाय द वे द टीम लुक्स ऑन पेपर. मेरे ख्याल से CSK के पास कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ सीरियस वीकनेसेस हैं, अब हम उन पर नजर डाल लेते हैं. और आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट वीकनेस दैट आई सी इन द CSK स्क्वाड वंस अगेन is the lack of match practice, or matlab the fact that most of their players or some of their core players have not had match practice or competitive cricket, unhone kuch arse se nahi kheli. ye ek weak point bankar samne aayega jab aap rusty nazar aate ho ya aap apne usual self mein nahi hote when you haven't really played a lot of competitive cricket. aur ye ek issue hai jo humne past mein bhi dekha hai CSK ke squad mein, aur is saal bhi mujhe nazar aa raha hai ki hum dekhenge. captain himself MSG has not had a lot of match practice, competitive cricket unhone nahi kheli. similar is the case with Suresh Raina, Ravindra Jadeja also, because he was injured, he has been away from competitive cricket. aur Dwayne Bravo ne bhi as such kuch khas itni cricket ya competitive cricket nahi kheli. Deepak Chahar bhi matlab us tarah cricket nahi khel sake ya competitive cricket nahi khel sake jis tarah ki CSK ko shayad chahiye ho ya jo CSK ko help kar sakti thi. to ye jo lack of match practice hai ya competitive cricket na khelna hai, ye definitely ek aisa point hai jo kahin na kahin thoda sa weak karega CSK ke squad ko. अब चेन्नई सुपर किंग्स का एक और एरिया ऑफ कंसर्न है, थोड़ा सा एक और एरिया जो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, इनफैक्ट थोड़े से ज़्यादा वीक लग रहा है, और वो है इनका पेस अटैक. अब पेस अटैक CSK का उतना खतरनाक, उतना थ्रेटनिंग नहीं लग रहा, और इस सिचुएशन को मजीद डैमेज किया है जॉश हेजलवुड की रिसेंट अनाउंसमेंट ने दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल for the IPL 2021. Now Josh Hazlewood was going to be an integral part of the CSK's pace attack. He has made himself unavailable, or he has withdrawn from IPL 2021 in order to stay in shape for Australia's upcoming calendar year. बड़ा साल है, एशेज इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 इज ऑल्सो जस्ट राउंड द कॉर्नर. सो ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट ही स्टेज इन शेप, बिकॉज ऑफ विच ही हैज एक्सक्यूज हिमसेल्फ, ही हैज विथड्रॉन फ्रॉम द IPL 2021, और CSK के लिए एक अच्छा खासा बड़ा थ्रेट होगा. अब आपके पास इस तरह का पेस बॉलर नहीं रहता, एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करोगे, CSK की साइड स्ट्रगल करेगी, क्योंकि मैचेस शुरू के हैं मुंबई में, दिल्ली में, जहां पे आपको ज्यादा पेसी बॉलर, ज्यादा फास्ट एक्सप्रेस बॉलर्स चाहिए. ठीक है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, लेकिन वो भी उतने फास्ट नहीं है, मतलब 140 प्लस के बॉलर्स आपको चाहिए. आपके पास दीपक चहर हैं, सैम करन भी हैं, ड्वेन ब्रावो भी हैं, बट वो जो एक थ्रेटनिंग पेस होती है ना, पेस ही पेस, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. मुझे लगता है कि एक एरिया ऑफ कंसर्न है, एक वीकनेस है जो कि मुझे नजर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में. CSK के पास अब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं इन IPL 2021, एंड मेरे ख्याल से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है टीम के पास कि उसका जो कोर इंडियन स्क्वाड है ना, ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है. ये डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है प्लेयर्स के लिए भी, एक मोटिवेशन फैक्टर है कि वो आए. बड़ा साल है, आपको पता है, कुछ बड़े सीरीज भी इस साल हैं टीम इंडिया के, कुछ छोटे सीरीज भी हैं, दिस प्रॉबेबली ए सीरीज विद जिम्बाब्वे ऑल्सो, जहाँ पर यंगस्टर्स को अक्सर हमने पास्ट में देखा है कि चांस मिलता है. साथ वर्ल्ड कप का ईयर है, तो जो अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं, खास करके इंडियन बैट्समैन, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ, अच्छा परफॉर्म करें, एक तीर से दो शिकार लगाएं. टीम के लिए अपॉर्चुनिटी है, टीम को जितवाएं और साथ ही साथ अपना नाम भी बनाएं, सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करें. दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी दैट आई सी CSK हैज़. अनदर अपॉर्चुनिटी
आई थिंक आई डोंट नो इफ यू गाइस विल एग्री विद मी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है. शायद MSG का ये आखिरी साल हो एज कैप्टन, एज प्लेयर ऑफ द CSK स्क्वाड. इनएविटेबल है रिटायरमेंट, मतलब आज नहीं तो कल तो उन्होंने लेनी ही है. और उसके चलते अगर कोई प्लेयर, स्पेशली वो प्लेयर्स जिन्होंने CSK को काफ़ी लंबे अरसे से रिप्रेजेंट किया है, वो इस साल भी यहाँ अच्छा परफॉर्म करें, ट्रस्ट जीते कैप्टन का, ट्रस्ट जीते मैनेजमेंट का, फैंस को भी खुश करें, हो सकता है हमें फ्यूचर में वो एक कैप्टन मटेरियल या कैप्टन बन के नजर आए. रविंद्र जडेजा इज वन प्लेयर जो मेरे माइंड में आते हैं जिनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टीम को भी उसका डेफिनेटली फायदा होगा. आप लोग मुझे बताएं व्हाट यू गाइस थिंक, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग इट मे हैपन आफ्टर दिस IPL, इट मे हैपन नेक्स्ट ईयर, इट मे हैपन, बट इट विल इवेंचुअली हैपन, चाहे एक साल बाद होता है या दो साल बाद होता है. MSG रिटायर तो होंगे ही, जब वो रिटायर होंगे तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अच्छा कैप्टन बन सकता है CSK के लिए और एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है अपने लिए भी और टीम के लिए भी. एक और अपॉर्चुनिटी जो इस टीम यानी कि CSK के पास है, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है सैम करन. मतलब जिस टीम के पास सैम करन हो उस टीम की तो बल्ले बल्ले शावा शावा हो ही जाती है ना. सैम करन ने पास्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइज के लिए कितना अच्छा किया हुआ, यू गाइस नो इट, लास्ट सीजन कितने कमाल, कितने वैल्यूएबल प्लेयर थे आप लोगों को पता है. और साथ ही साथ इंडिया की जो सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें ऑलमोस्ट इंग्लैंड को उन्होंने ODI सीरीज में आखिरी मैच जतवा ही दिया था. इस किस्म के वर्सेटाइल क्लासी प्लेयर हैं, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं CSK को ये लो मैं आ गया. तो डेफिनेटली अ वेरी बिग एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी दैट CSK हैज इज इन द फॉर्म ऑफ सैम करन. नाउ लेट अस मूव ऑन रियली क्विकली एंड टॉक अबाउट सम थ्रेट्स दैट द टीम मे बी फेसिंग इन द अपकमिंग एडिशन ऑफ द IPL. मेरे ख्याल से सबसे बड़ा थ्रेट जो CSK के पास रहेगा वो यही रहेगा कि जब टीम इन्होंने पिक की या जब टीम की सिलेक्शन हुई तो उनको शायद ये नहीं पता था कि चेपोक में मैचेस नहीं होंगे. उसके बाद मैचेस के वेन्यूज रिवील हुए, मुंबई एक वेन्यू है, दिल्ली एक वेन्यू है, बेंगलोर एक वेन्यू है, चेपोक एक वेन्यू नहीं है. और CSK के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि कुछ इस तरह के प्लेयर्स हैं जो चेपोक के ग्राउंड्स में सूट करते और शायद मुंबई, दिल्ली, इवन बेंगलोर में उस तरह सूट ना करें. तो एक थोड़ा सा ये एक थ्रेट है जो CSK की टीम मोस्ट डेफिनेटली फेस करेगी. वेन्यूज उनके लिए आइडियल नहीं है, चाहे बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें. और एक जो छोटा सा थ्रेट मुझे नजर आता है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि एक डैडीज आर्मी एक्सपीरियंस एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो ही एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बैकफायर. वाई? बिकॉज द प्लेयर्स आर एजिंग प्लेयर्स, इफ नॉट रियली हैड लॉट ऑफ मैच प्रैक्टिस, दे आर मोर प्रोन टू इंजरीज. और अपनी प्राइम भी कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स गुजार चुके हैं या एंड पर आ चुकी है उनकी प्राइम. तो ये एक छोटा सा थ्रेट बनकर आ सकता है सामने CSK के लिए. बट आई डू होप दैट आई एम प्रूवन रॉन्ग और ये प्लस पॉइंट ही बनकर CSK के लिए रहे IPL 2021 में. आई एम अ फैन ऑफ MSG, सो आई डू वॉन्ट दिस टीम टू डू वेल. बट डू वी थिंक दिस टीम हैज व्हाट इट टेक्स टू बी द चैंपियंस ऑफ IPL 2021? अगर आप मेरे से ही सवाल पूछेंगे तो मेरा जवाब रहेगा नहीं. ऑन पेपर टीम ठीक ही लग रही है, लेकिन कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं, कुछ अच्छे प्लेयर्स भी हैं, कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, लेकिन आई डोंट रियली थिंक कि ये आगे इतना जा सकती है टीम और टाइटल जीत सकती है. आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को CSK की टीम इस साल कैसी लग रही है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. और अगर मैं इस टीम को रेट करूंगी तो मैंने काफी सोचा और सोचने के इतना कुछ सोचने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि आई वुड गिव दिस टीम अ रेटिंग ऑफ 6 out of 10. प्लीज आप लोग मुझे अपनी इस टीम की रेटिंग भी बताएं द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट मी नो इफ यू गाइस थिंक CSK हैज व्हाट इट टेक्स टू बी द विनर्स वंस अगेन इन द IPL 2021 दिस टाइम अराउंड. एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो एंड व्हाट यू थिंक ऑफ दिस स्पेशल वीडियो सीरीज जहां पे हम SWOT एनालिसिस या टीम एनालिसिस कर रहे हैं IPL 2021 के 8 फ्रेंचाइजेस का. वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक अल नोएम परफ्यूम्स फॉर दिस सपोर्ट. यू गाइस प्लीज मेक श्योर टू चेक दम आउट, दे डू हैव सम रियली अमेजिंग फ्रेग्रेंसेज, तो जरूर इनको चेकआउट करें. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके डिटेल्स भी मिल जाएंगे. आई टेक यू लीव विद द प्रॉमिस ऑफ रिटर्निंग अगेन टुमारो विद अनदर एपिसोड ऑफ आर IPL SWOT एनालिसिस. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.